वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम आयुष राजगोर। बात करते हैं AWS सीरीज़ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि भाई सर्वर को कैसे कनेक्ट करेंगे, हम बैकएंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस करना है हमारे सर्वर को तो वो कैसे करेंगे। हमने देख लिया था कि फाइलजिला को कैसे यूज़ करेंगे, हमने देख लिया था कि भाई पुट्टी को कैसे यूज़ करेंगे, और हमने ये भी देख लिया था कि भाई PHP में एडमिन पैनल को कैसे ओपन किया जा सकता है। बट अगर थोड़ा मैं रिवाइज करा दूँ तो भाई PHP में एडमिन पैनल को आपको अगर आपको एक्सेस करना है तो पुट्टी से आपको सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा और पेम फाइल पे उसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। फिर बाद आप एक जो URL है 127.0.0.1/PHP में एडमिन पैनल तो उस पर जाके आप कनेक्ट हो सकते हो। बिटनामी प्लस AWS दोनों की सिक्योरिटी की वजह से हमको इतनी सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे लक्ष्य के लिए सो हम करेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो सर्वर है, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, हमारा जो सर्वर हमने बनाया है इंस्टेंस, तो अगर हमको हमारी वेबसाइट देखनी है तो हमारे पास एक IP है, लेकिन हम कभी IP सर्च नहीं करते, हम सर्च करते हैं डोमेन, जैसे कि नाम हो गया, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि जीमेल, ओके, जैसे कि नेटफ्लिक्स। तो ये चीज़ें कैसे होगी, इस डोमेन को इस IP के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये बात आज हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले आता है कि भाई डोमेन, तो अगर जिसको पता नहीं है डोमेन क्या है, तो मतलब ये google.com को हम बोलते हैं डोमेन, youtube.com को बोलते हैं हम डोमेन, netflix.com को बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पहले नाम .com, .in, .edu, .net बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हो। तो भाई डोमेन कहाँ से ले, अब आप डोमेन जो है वो AWS से भी ले सकते हो। सर्विस में जाके अगर आप राउट 53 देखोगे, ये रहा नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी में, राउट 53 पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ से भी आप अपना डोमेन ले सकते हो, मतलब आपके आप वेबसाइट का डोमेन ले सकते हो यहाँ से भी। ये देखो डोमेन रजिस्ट्रेशन, गेट स्टार्टेड नाउ, रजिस्टर डोमेन, और यहाँ पे आप अपना डोमेन का नाम लिख के आप जो भी लेना .com, .net, .org आप कुछ भी ले सकते हो। आपको .in भी लेना है तो .in भी अवेलेबल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखो .in भी यहाँ पे अवेलेबल, सो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन हम जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट यूज़ जो डोमेन है वो मोस्ट ऑफ द अपने होते हैं GoDaddy के, क्योंकि GoDaddy में से आपको डोमेन बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो .in है $15 का, अगर आप $15 को कन्वर्ट करोगे, देखो 15 × 74 का प्राइस चल रहा है, तो आपको 1,110 रुपये पर ईयर के देने होंगे। ये जो होता है वो पर ईयर होता है, पर ईयर का ये चार्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं आपको अगर GoDaddy में दिखाऊं, तो GoDaddy.in, यहाँ पे आपने सर्च किया जैसे कि Pyrosoft, ठीक है, सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपको दिखा रहा है Pyrosoft.com 199, ठीक है, ये 199 है .com। अब यहाँ पे आप लिखोगे Pyrosoft, अवेलेबल होगा ये, अवेलेबल देखो $15 पर ईयर, मतलब हमने अभी देखा कि ₹1100। अब ये देखते कि ये ईयरली कितना होता है, ठीक है, तो इसको करेंगे ऐड टू कार्ट, कार्ड में ऐड हो चुका है, फिर करेंगे कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें निकाल देना, ये सारी हमको नहीं चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी अगर तुमको चाहिए तो ले सकते हो, सस्ता ही है ₹30 per month, ठीक है। लिनक्स की वेब होस्टिंग भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे वेबसाइट ऑलरेडी होस्ट है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो टोटल बिल मिल रहा है वो है ₹1504, 2 साल का ₹1504, 2 साल का है, देख लेना। अगर आप 1 साल का सर्च करोगे 1 ईयर, तो आप देख सकते हो कि ₹1000 लग रहा है, 1070, और अगर आप 2 साल का करोगे तो आपको लिख रहा है 1504। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ से लेते हो तो 15 इस साल के, 15 नेक्स्ट ईयर के, मतलब टोटल 30
$30, मतलब आपको डबल चार्ज लगेगा, मतलब 2200 के आसपास आपका हो जाएगा, और यहाँ पे वो काम 1500 हो रहा है, मतलब आपके 500-600 रुपये बच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट 2 साल तक रहेगी, तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ से लो, तो यहाँ से अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप GoDaddy से ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि हम आप 2 साल का ले रहे हो, 1 साल का ले रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी साल का ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे 10 साल का भी अवेलेबल है। सो यहाँ से ले लोगे जैसे कि 1 ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अप करने का होता है, आप साइन अप करोगे, साइन अप होने के बाद आपको आएगा पेमेंट, पेमेंट करना है, बिलिंग, और फिर हो जाएगा कंप्लीट। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, तो इसलिए मैं फिर से परचेस नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आप इतना तक बना लोगे कि भाई GoDaddy में अकाउंट कैसे बनाएंगे और ये सारी चीज़ें परचेस कैसे करेंगे। मैं अगर आप फिर से बता दूंगा कि आप GoDaddy की वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हो। हाँ, कई बार क्या हो गया कि आपको डोमेन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप ये सर्च करोगे लॉस्ट इन कोड, ठीक है, तो आपको लॉस्ट इन कोड .com देख रहे हो कि बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये किसने ले रखा है, वो भी सेल कर रहा है। इसलिए अगर आप लॉस्ट इन कोड .in सर्च करोगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परचेस कर रखा है मैंने, ठीक है। तो वो बता दिया आपको कि लॉस्ट इन कोड .in इज टेकन। तो अगर किसी ने ले रखा होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, जो अवेलेबल होगा वही बताएगा। आप .in लिख सकते हो, अगर आप .net लिखोगे तो वो आई थिंक अवेलेबल है, .net भी टेकन है, .ac.in ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो ये .co.in अवेलेबल है, ये देख सकते हो .co.in अवेलेबल है। सो यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट, सॉरी कोई भी डोमेन ले सकते हो जो आपको पसंद है, वो आपका एक्सटेंशन क्या लगा है आपकी मर्जी है। सो जैसे ही आप परचेस कर लोगे अपनी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करके, तो आपको अपना जो अकाउंट होगा, जैसे कि ऐसे होम पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करना है और जाना है मैनेज डोमेन में, ठीक है। अब आप माय डोमेन में जाओगे तो आपको अपना डोमेन यहाँ पे दिख जाएगा, पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा नीचे मैनेज DNS पे। मैनेज DNS पे जाओगे तो वहाँ से हम हमारी सेटिंग चेंज करेंगे। ओके, सो हमारा DNS मैनेजमेंट खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स लिखे हैं। अगर ये सर ये सब आपको जाननी है तो आपको YouTube पे और बहुत सारे चैनल्स में उन लोगों ने डिस्क्राइब किया हो कि भाई ये ए क्या है, @ क्या है, CNAME, WWW, ये सारी चीज़ें क्या है, मैं बताऊँगा नहीं। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट एकदम आपको ईजी हो इसलिए सिर्फ डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। सो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन आप में यहाँ पे दो चीज़ें नहीं होगी जो मेरे में हैं। एक ये @, ये जो कुछ IP लिखे 3.7.26.159, ये वाला एक नहीं होगा, और ये TXT वाला नहीं होगा। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 आपके पास होंगे। ये वाला होगा @, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा पार्क, ठीक है। तो वो जो पार्क लिखा है उसको आपको निकाल देना है, या तो आप नया पूरा ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐड टाइप ए होस्ट में आपको लिखना है @points, और वो अभी थोड़ी देर छोड़ते हैं, और ये हमारा TTR बना हुआ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई DNS यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसमें पाक लिखा है, सो उसको भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऐसा कोई आपके पास है ही नहीं, तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर है यहाँ पे पाक लिखा है और यहाँ पे @1 लिखा है, तो यहाँ पे आप एडिट करके ये जो यहाँ पे जो पाक लिखा होगा आप में उसको निकाल देना है, और यहाँ पे इंस्टेंस में जाना है अपने, और इंस्टेंस की जो ID है उसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है। चेक कर लेना वही IP है 3.13.4। ओके, सो हमने पॉइंट कर दिया है, अब कर देना है सेव, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेव कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी कनेक्शन में। अब जनरली मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसे करते हो, मतलब DNS चेंज करना, तो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड DNS अपडेट होने में 24 to 48 आवर लग जाता है कम्प्लीटली। अगर आप DNS चेकर में चेक करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि DNS चेकर, यहाँ से आप DNS चेक करोगे तो वो शायद तक आ जाता है। जैसे कि लॉस्ट इन कोड इन सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे सारी जगह पे लिस्टिंग हो चुका है, सब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सारी जगह पे ग्रीन 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 आ जा रहा है।
लेकिन इसको पूरी तरह से कंप्लीटली कोई भी एक्सेस करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पूरा 24 आवर लग जाते हैं। सो अगर मैं अगर फिर से सर्च करूँ, जैसे कि हमारी वेबसाइट में आपको पहले अगर दिखा दूँ कॉपी और गो टू दिस, ठीक है, तो ऐसी ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और अगर हमने जो हमारा डोमेन है lostinco.in, इसको मैं पूरा कॉपी करूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट इनको करूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रही है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है। अब वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो अभी नॉट सिक्योर है, हमने कोई SSL लगाया नहीं है इसलिए। सो ऐसे डरने की बात नहीं है, एडवांस में जाके प्रोसीड टू lostinco.in करेंगे। तो देख सकते हो ये हमारी IP अभी ये आ चुका है lostinco.in, ठीक है। सो इससे मदद से आपके पास अपना अगर इससे आपको पता चल गया कि कैसे अपना जो डोमेन है उसको आपको IP से कनेक्ट करना है। सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको ये दे रखा होगा, यहाँ पे पाक लिखा होगा, पाक हटा के आपको अपनी IP डालनी है और कुछ नहीं करना है। मैं रिकमेंडेड करूँ तब आप गो डेडी से ही डोमेन ले, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, इनके जो कस्टमर सर्विस भी बहुत इन लोगों की अच्छी है, इनका कुछ सर्वर वर्वर का भी इश्यू नहीं आता है और DNS भी बहुत अच्छा है। सो मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ से लो, आपको फाइनेंशियली भी अच्छा पड़ेगा, बाकी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स है जो डोमेन प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, उसमें भी यही सेम टाइप आपको करनी होगी। आपको एक ए टाइप डालना होगा, नेम @ डालना होगा और वैल्यू ये डालनी होगी, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे होगी। सो यहाँ पे आ चुका है lostinco.in। सो अब अगर आपको मैं इसका एडमिन बना दिया, अगर आपको देखना है तो एडमिन और सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो कि हम उसके बैकएंड में भी आ चुके हैं। यहाँ से आप लॉगिन भी हो सकते हो और बैकएंड का यूज़ करके आप पूरे कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब और एक चीज़ देखना बाकी रहेगी कि भाई ये तो नॉट सिक्योर आ रहा है, हर बार कोई हमारी वेबसाइट अगर सर्च करेगा, जैसे कि मैं नया टैब में सर्च करूं lostinco.in, हर बार कोई सर्च करेगा इसको ऐसा नॉट सिक्योर दिखाएगा, तो हम अगर कोई भी वेबसाइट ऐसी देखे जैसे हमको पहले दिखाया था रेड कलर के टैग में, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो हमको भी ऐसा एक लॉग चाहिए, इसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। हमको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, तो वो कैसे यहाँ पे अटैच करेंगे। सो यहाँ पे बिटनामी वर्डप्रेस ने खुद ने ही एक SSL हमको दे रखा है फ्री में। वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर SSL है वो है लेट्स लेट्स इंक्रिप्ट SSL, लेट्स इंक्रिप्ट SSL, ये फ्री SSL है, TLS सर्टिफिकेट है। और ये बहुत सारी जो वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट इसको यूज़ करती है। अब बहुत सारी वेबसाइट में देख सकते हो आपको ये लेट्स इंक्रिप्ट वाला मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आप सर्च करोगे कोरा को, ठीक है, कोरा कोरा के होम पेज में अगर आप गए और देखा सर्टिफिकेट, देख सकते हो लेस इंक्रिप्ट अथॉरिटी X3, तो हमारे पास भी यही आ जाएगा। अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया, हमारा होगा lostinco.in हो जाएगा। सो ये एकदम ट्रस्टेड कंपनी है लेट्स इंक्रिप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है। आप यहाँ AWS में भी सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो कस्टम, आप यहाँ से भी GoDaddy में भी सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो, गूगल का भी खुद का है, अगर आपने गूगल क्लाउड ले रखा है तो आपको वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो बहुत सारी है, लेकिन हम तो फ्री वाला भाई यूज़ करेंगे, हम तो सारी चीज़ें फ्री में कर रहे हैं। सो वो कैसे करेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि हमको पुट्टी से कनेक्ट करना है हमारे बैकएंड के लिए, तो आज वो भी करेंगे, आज वो ही करेंगे। सर्च करेंगे पुट्टी, हमने सेव करके रखा था, तो पायरोसॉफ्ट को करेंगे लोड, करेंगे उसको ओपन, लॉग इन इज बिटनामी, ठीक है। तो हम हो गए कनेक्ट। अब देखते हैं कि भाई इसको SSL में कैसे, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे लानी है, SSL सर्टिफिकेट कैसे शुरू करना है। अब यहाँ पे बिटनामी ने एक कमांड दिया है हमको, जो हमको यूज़ करना है। कमांड में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
बिटनामी वर्डप्रेस SSL। यहाँ पे एक BN30 टूल है इन लोगों का, वो हमको यूज़ करना होगा, ये वाला sudo /opt/bitnami/bncrt टूल। अगर हमने लास्ट क्लास में जैसे बात की थी कि sudo एक कमांड है, opt ये बिटनामी ये फोल्डर है, हमने फाइलजिला में देखे थे, सो ये वाला जो कमांड है इसको यहाँ से कॉपी करना है और हमारा जो पुटी है उसको ओपन करना है। और अगर आपको याद हो, अगर नहीं हो तो फिर से बता दूँ, यहाँ पे आप कंट्रोल वी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करना होगा, तभी जाके ये होगा। तो राइट क्लिक पे मैंने क्लिक कर दिया है, अभी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है अपडेट, हाँ तो पहले अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट आपको पूछेगा ही, अपडेट हो चुका है। फिर से इसको हम करेंगे रन, सो ये फिर से रन हो रहा है। चलो रन, ये हमारा हो चुका है। सो हमको यहाँ पे डालना है डोमेन लिस्ट। तो डोमेन लिस्ट में हम डालेंगे एक ही हमारे पास डोमेन, वो है lostincode.in, एंटर करेंगे। हमने www वाला नहीं डाला, वो अपने आप डालने का हमको पूछ रहा है, तो हम करेंगे यस, अपने आप कन्फिगर कर रहा है ये, ओके। सो कन्फिगर हो गया है। अब ये पूछ रहा है कि क्या हमको रीडायरेक्ट करना है, मतलब हर बार कोई पूरा नहीं लिखेगा। हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो हम क्या सर्च करते हैं, यूट्यूब, इतना ही सर्च करते हैं, हम पूरा नहीं लिखते कि भाई https://www.youtube.com, ये पूरा नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं youtube.com या फिर youtube.in ही लिखते हैं। सो यही पूछ रहा है कि अगर आपको उससे रीड, अगर आप youtube.com सर्च कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली पूरा ही सर्च कर रहे हो। सो ये यही पूछ रहा है कि भाई अनेबल http to https रीडायरेक्शन, तो हमको यहाँ पे यस दे देना है। अनेबल नॉन www, यही सेम चीज़ है, यूट्यूब सर्च कर रहे हो ऑटोमेटिक वो www.youtube सर्च हो जाएगा, यस। अनेबल www नॉन www ये हमको नहीं करना, तो हमको कर देंगे नो, ठीक है। ये कुछ पूछ रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें आप में चेंज होगी, ये ऊपर जो हमने यस 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 और नो कहा वही सारी बात है, हम अग्री करते हैं, ओके। ईमेल एड्रेस डाल देंगे हम। वैसे यहाँ पे आपको मेल नहीं आएगा, लेकिन तो भी डाल देना। डू यू अग्री द लेट्स इंक्रिप्ट सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। अगर आपको ये देखना है डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट देखता है, यस कर देना। अब यहाँ पे ये कन्फिगर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस जब शुरू हो तब कुछ करना मत कृपया करके, क्योंकि अगर ये प्रोसेस शुरू करो, आप अपने बैकएंड में कुछ काम कर रहे हो सर्वर पे, मतलब EC2 इंस्टेंस पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर एक बार ये क्रिएट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए। सो ये हो चुका है, हमारा बन चुका है, यहाँ पे लिख दिया है कि बिटनामी HTTP सर्टिफिकेट टूल सब्सक्रिप्शन इन मॉडिफाई योर इंस्टॉलेशन, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, सो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ और हम हमारी वेबसाइट खोलें, ठीक है, इसको करें रीलोड, देख सकते हो हमारा लॉक आ चुका है, सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है, लेस इंक्रिप्ट अथॉरिटी X3 LostInCode.in वैलिड फ्रॉम 11/5 to 9/8, ओके। सो ये 3 महीने के लिए हमका एक सर्टिफिकेट इन लोगों ने अलग कर दिया है, 3 महीने के बाद ये अपने आप ही रिन्यूअल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप पुटी में देखो कि मेरे को यहाँ पे एरर नहीं आए, लेकिन आप सॉरी एरर नहीं वार्निंग नहीं आए। अगर आपको ऐसी वार्निंग आए कि भाई कि हमने सर्टिफिकेट ऐसा डाल दिया है, मतलब आपको ऐसा आ जाएगा, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ और एक चीज़ आएगी कि हम इसको ऑटो रिन्यू नहीं कर सकते, तो 3 महीने के बाद आपको फिर से ये वाले प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आपको ऑटो रिन्यू नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसका भी पूरा, इसको अगर कैंसिल करते हो, उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ कि भाई कैसे उसको करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो लॉक आ चुका है, सर्टिफिकेट वैलिड। सो अगर मैं आपको इस पर भी बताऊँ रिफ्रेश करके,
postinco.in देख सकते हो, SSL आ चुका है। ओके सो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि भाई एक आईपी को डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये है हमारी आईपी, ये है हमारा डोमेन postinco.in, हमने इसको कनेक्ट किया है। ये डोमेन आप कहीं से भी ले सकते हो, आप राउट 53 AWS से लो, आप गोडेडी से लो, आप बिगरॉक से लो, आप होस्टिंगर से लो, आप कहीं से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। वहाँ पे चेंज इतना ही करना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू चेंज करनी है, पार्क होगा पार्क को हटा के ये वाली वैल्यू डाल देना, बाकी सब बाकी कोई चीज़ें चेंज मत करना। हाँ अगर कहीं आप कोई दूसरे जैसे कि गोडेडी पे नहीं आ रहा, अगर आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो और आप कोई दूसरे के यूट्यूब वीडियो से देख रहे हो, अगर वो नेम सर्वर चेंज करे तो प्लीज़ नेम सर्वर चेंज मत कीजिएगा, नेम सर्वर यही रखेगा। नेम सर्वर चेंज करोगे आपका कुछ नहीं होगा, अगर आप सर्च करोगे अपनी वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट नहीं मिलेगी, आपको अपना SSL नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल से ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है। ठीक है, अगर नहीं है ये वाली, ये पूरा लाइन ही नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ऐड टाइप सिलेक्ट करना है आपको, ए टाइप सिलेक्ट कर दोगे, होस्ट में लिख दोगे @, पॉइंट में आपको लिख देने अपनी IP और TLL 1 ओवर लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप ऐड भी कर सेव करोगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो आज हमने ये सारी चीज़ें देख ली। फिर हमने देख लिया कि भाई SSL कैसे लगाना है। SSL मैं आपको अगर फिर से दिखा दूँ कि भाई सबसे पहले आपको ये वाला जो है sudo /op/bitnami/bncrt tool ये हमको रन करना है। ये रन करोगे ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर देगा आप में SSL। ये रन करोगे आपको पूछेगा कि भाई डोमेन लिस्ट डोमेन अपने पास एक ही है तो postinco.in। फिर ये पूछेगा कि आपको www वाला डालना है, वहाँ पे कर देंगे यस। रिडायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं तो 2 बार यस 1 बार नो, फिर आगे, फिर अग्रीमेंट हम कर रहे हैं तो यस, फिर अपने आप ये कन्फिगर होके यहाँ पे बता देगा कि भाई आपका सक्सेसफुल हो चुका है। मिनिमाइज करेंगे, रेफ्रेश करेंगे, आपको अपना सर्टिफिकेट मिल गया। सो आज के वीडियो में हमने इतना सारा सब कुछ देख लिया है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको SSL में और या फिर डोमेन कनेक्ट करने में प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम इतने रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। थैंक यू।